हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा रखता हूँ सब खैरियत होगा। दोस्तों, अभी मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ आपके लिए और मेरे लिए। ये TPA, इसमें जो IC जो लगाया हुआ, TPA 7498 का IC लगाया हुआ है, और इसका पूरा मॉडल नंबर ये है। ये 160 वॉट 2 चैनल पर देता है, और ये पूरा स्पीकर का उसका लिखा हुआ है 4 ओम्स 8 ओम्स जैसा कुछ लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं 200 वॉट तक ये जा सकता है। तो ये है उसका पीछे का लुक, और ये उसके अंदर से ऐसा लगाया हुआ है। ब्लूटूथ भी है उसके अंदर। पीछे USB वाला पार्ट भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। USB लगाने के लिए है, ब्लूटूथ है, ऑक्सिलरी के लिए भी दिया हुआ है, उसमें सॉकेट दिया हुआ है। और ये प्रोटेक्शन डायोड भी दिया हुआ है, और इस तरह से ये पूरा बनाया हुआ है दोस्तों। और ये दोस्तों 15 वॉट से 36 वॉट तक उस DC उसमें दे सकते हैं। तो मैं उसमें 24 वॉट DC देके आपको उसका साउंड टेस्ट करवा के सुनाऊंगा दोस्तों। ये उसका पूरा लुक है दोस्तों। ये सब चाइना मेड आता है, और ये आगे सिलेक्टर है जिससे आप दबाने से आप YouTube और ऑक्सिलरी का सिलेक्ट कर सकते हैं, और आगे पीछे प्लस माइनस करने से आप USB के सॉन्ग का ट्रैक चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी काफ़ी महंगी चीज़ें आती है, कोई ख़रीदना ज़रूरी नहीं है। मुझे शौक है इसलिए मैं ख़रीदता हूँ। तो दोस्तों, मैं उसका साउंड टेस्ट करके आपको सुनाऊंगा। बढ़िया ही साउंड तो होगा, कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, क्योंकि ये सारे पूरी दुनिया में ये सारी चीज़ें पूरी दुनिया में बिकती है, और ये पूरा स्पेस सेवर के लिए होते हैं। कम जगह में अगर कुछ चलाना है उसके लिए होती है, तो ये बहुत अच्छी तरह से बनाया हुआ आता है, और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, उसका पहले भी एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जो उससे बड़ा एम्पलीफायर था, ये कम उससे थोड़ा छोटा एम्पलीफायर है। तो मैं दोस्तों उसका वीडियो बना के भी आपको, उसका साउंड टेस्ट करके भी आपको सुना देता हूँ कि उसका साउंड कैसा है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं ये दूसरा है मेरे पास, ये है TPA 3116 का है, 100+100 वॉट वाला है। ये सारे बोर्ड पड़े हैं। ये बोर्ड कौन सा वाला? ये बोर्ड स्टेडियो बोर्ड है। ये बोर्ड है, वही सेम सर्किट उसके अंदर इसके अंदर लगाया हुआ है, वही सेम है, कोई फर्क नहीं है। थोड़ा होकस पोकस करके नॉब आदि सब लगा के ज़रा उसको थोड़ा चेंज कर दिया है, बाकी सेम ही आइटम है ये और दोनों। उससे ये लगाने से प्राइस में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, और थोड़ा टेक्नोलॉजी ये लोग चेंज भी करते हैं। और ये बोर्ड है उसके अंदर जो फिट किया हुआ है, वो ये बोर्ड है। तो उसका वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। तो दोस्तों, अभी मैंने उसको पूरा कनेक्ट कर दिया है। 24.24.5 वोल्ट पर किया है, ऐसे 36 वोल्ट तक कर सकते हैं। आपको आवाज़ का जब डिफरेंस लगेगा, आप मुझे मान जाएंगे कि सही में बहुत अच्छा ये बनाया हुआ है। तो अभी मैं उसका साउंड चालू करके आपको सुनाता हूँ।
दोस्तों, आपको साउंड में कुछ डिफरेंस सुनने मिला होगा। बहुत अच्छा साउंड है दोस्तों ये उसका, मुझे बहुत अच्छा पसंद आया, बहुत भरा हुआ साउंड है। तो बस यही वीडियो था दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।